पाखी रेडी और पाखी भागी। पाखी तेरे पास माइक नहीं है क्या? माइक है। तो हंस भी ना। अच्छा। रोलिंग। और पाखी कैसे भागना था? रोलिंग एंड एक्शन। इकबाल पाखी की तरफ बढ़ा। अंशुमन, अंशुमन इकबाल पाखी की तरफ ना थोड़ा स्पीड से बढ़। अंशुमन, अंशुमन मुझे ढूंढ रहे हो? मुझे ढूंढ रहे हो? जो उसमें है बाइक से देखो। पाखी अभी दूसरा पिलर भागेगी और पाखी रन। जानती हो तुम मुझसे प्यार करते हो है ना, इसीलिए आए ना। स्टेप दो जल्दी दो। इसलिए जानती हूं क्योंकि तुम अपनी चाहत का इजहार नहीं कर सकते। सिर्फ जुबान से कह देने से इजहार नहीं होता। तो क्यों है कि जब मैं तुम्हारी आंखों में देखती हूं तो प्यार के सिवा और कुछ नहीं दिखता? तो क्यों है कि तुम्हारी बातों में करार के सिवा और कुछ नहीं दिखता? नहीं होता प्यार तो अपने हाथों से कह दे। वहां से हाथ बाहर निकाल के कंगन खनकाए। वही पिलर के पीछे जा छुपी है। बाहर कंगन निकाल। नहीं, हाँ उल्टा 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 कंगन। श्रद्धा तू छुप, सिर्फ हाथ बाहर निकाल। दिखा श्रद्धा कहाँ है कंगन? उस तरफ दिखा, जा दिखा। हाँ यहाँ रख, यहाँ और वहां रख, वहां रख, उस तरफ रख। फोटो अंशुमन की फोटो का बैकड्रॉप। हाँ यहाँ रख, यहाँ रख। उल्टा उल्टा जहां पहले करी थी। शंका हाँ तू थोड़ा पीछे और जा। हाँ है बेबी 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 निकाल। हटा हाथ। और अगर मान लो कि मैं सब कुछ गलत बोलती भी तो प्यार तो एक तरफा ही होता है, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी ख्वाहिश के। कल तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने का आखिरी दिन, तुम्हारी झिझक और अपने शर्म के कारण सामने तो ये गर्लफ्रेंड तुम्हारी बीवी बन गई, तुम्हारे इंतजार में तुम्हारी पाखी। इसके बाद वो चूड़ी खनकने का शॉट जाएगा। चूड़ी खनकी। इकबाल टर्न। आई लव यू, आई लव यू। हाँ इकबाल उधर देख रहा है। आई लव यू अंशुमन। लाउड बंद कर लाउड। नकली। यू कैन सी एवरीथिंग हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। इकबाल इकबाल, इकबाल श्रद्धा को देख। देख रहा है श्रद्धा को, श्रद्धा को देख रहा है। सारे थॉट्स घूम रहे हैं दिमाग में, लेकिन ये तेरे पास प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी तेरे हाथ में है। ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी तेरे को रोक रही है कुछ भी काम करने से, और कुछ समझ में नहीं आया और उठ के निकल गया। सुरेश जी फॉलो। एक्चुअली अंशुमन को साड़ियाँ पसंद नहीं हैं और वो साड़ी में उसको रिझाने की कोशिश कर रही है और वो नहीं चाह रहा कि वो साड़ी पहने, इसलिए वो इरिटेट हो रहा है बार बार।
एक्चुअली अंशुमन जब भी किसी को साड़ी में देखता है तो उसे अपनी माँ की याद आती है, और माँ का उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, और वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था. He has some bad disturbing memories attached to that. सड़क पे चल रहा होगा किसी को साड़ी में देखा, आप प्लीज चेंज कर लीजिए. मुझे तो अंशुमन को पता नहीं क्यों अच्छी लग रही, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही. आप क्या कहेंगे आज कितने अच्छे से तैयार हुई हैं? बस इससे अच्छा, इससे अच्छा मैं नहीं कर सकती. दिस इज माय बेस्ट. स्टिल किस तरह से तैयार हुई है? ऐसे साड़ी तो मैंने नॉर्मली पहनी है. एग्जैक्टली. लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं वाइट कलर में ड्रेसअप हूँ. वाइट कलर इज सपोज टू बी रियली यू नो एलिगेंट एलिगेंट एंड सेंसुअस. ये पीस को भी बोलते हैं, इंडिकेट करता है, लेकिन आप दोनों की जिंदगी में बिल्कुल पीस नहीं रहने वाला है. आप नहीं, बहुत पीस होने वाला है. सब चीजों के पीस हो जाएंगे. पीस पीस हो जाएगा सब कुछ. ये आप फूट फूट के अलग एक जगह रोएंगे, आप फूट फूट कर बाथरूम में रोएंगे. बहुत पता है स्क्रिप्ट के बारे में. आई नो, हमने सोचा था कि ले दे कि कुछ अच्छा और. नहीं, मैंने रोऊंगा, लेकिन यहाँ तो अलग हो गए. चित्ता और चली जाएंगी. एक हो गए तो फिर क्या, फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी ना. तो क्या सोचा है, अब कैसे दूरियां मिटाएंगे? आएंगे पाखी का ही मेन रोल रहेगा. आपके ऊपर कई इल्जाम लग रहे हैं, प्रेगनेंसी का, फिर दूसरे मर्द के साथ भी कुछ ना कुछ. तानिया मतलब हद हो गई ना तानिया के साजिशों की. सारी सारी स्टोरी बता दो आप यहाँ पर. आगे के 4 महीने की स्टोरी आप इनसे सुन लीजिएगा, सब बता देंगे, फिर आपको देखने की जरूरत नहीं. शो इस पे आप फोकस कीजिए, सुन लीजिए आगे के 6 महीने की स्टोरी, ताकि आपको 6 महीने का शो देखने ही नहीं पड़े. ऑडियंस आपके रोमांस को पसंद कर रही थी, तो आप मिस करेंगे अब ये दूरियां आ जाएंगी. ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है. वो क्रिस्प मोमेंट्स और रोमांटिक मोमेंट्स सब रहने वाले हैं हमारे बीच में, तो कोई डिसहार्टन होने की बात नहीं है. इट्स गोइंग टू बी एज रोमांटिक, एज एक्साइटिंग, एज फन फिल्ड एज इट हैज बीन. लास्टली तानिया को क्या कहेंगे आप दोनों? फाइनली वो कामयाब हो गई दीवार डालने में दोनों के बीच में. तानिया को क्या कहेंगे यार? तानिया को क्या कहेंगे? तुम बताओ क्या कहोगे तानिया को? मैं तानिया को यही कहूंगा कि आंटी पुलिस बुला लेगी. ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर.